नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप विश्वास कीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आज तक मैं प्राचीन ज्ञान टीवी के माध्यम से जो जानकारी बताई है उसे हर एक व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हुई है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो उपाय मैं आपको बताऊं वह उपाय से आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं, मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साथ में इसे यह भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को दान करते हो दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन आप ये चीज दान कर देते हो तो आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों की दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में एक बार ही मनाई जाती है। ये मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन अगर जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये जो उपाय इस वीडियो में प्राचीन ज्ञान टीवी के माध्यम से आप जानोगे तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ, मनोकामना सिद्धि होगी। आपको बता दें कि आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है, जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है, आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 माह उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धनवान न बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण न हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें प्राचीन उपाय बताए हैं, इन उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्या की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। पर इसके लिए आपको जिस तरह से मेन उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति पर मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए जान लेते हैं अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें, इसमें तेल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें।
और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें, इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईस्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है बल्कि ये भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो शनि देव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करते हैं, इसलिए आप सूर्य देव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अभी तक आपने प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है अगर कई स्त्रियां उसे को रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती है तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से चीजों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसी कुछ अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। मैं ये उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे बढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती है क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपको रिप्लाई करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करने मात्र से भी आपको जो भी मनोकामना है पूर्ण हो सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। गाय को हरा चारा, चीटियों को शक्कर मिला, आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि काला तिल मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी का काले तिल परिवार के सिर से 7 बार उतार कर उत्तर दिशा में फेंक दें, इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके बारे में। दोस्तों अगर पितरों को प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धनवान हो सकता है। दोस्तों क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं।
इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। दोस्तों, आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी हर मनोकामना 100% पूरी होगी। अगर आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है और आमदनी कम हो रही है, तो आप मकर संक्रांति के दिन देसी घी का एक आसान उपाय आजमाएं। इसके लिए माता लक्ष्मी के सामने मकर संक्रांति की शाम को घी का चौमुखी दिया प्रज्वलित करके रखना है और माता से धन लाभ की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को कम से कम मकर संक्रांति से 7 दिन तक आजमाएं। आपके घर में होने वाली व्यर्थ की धन हानि से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। यदि आप इसके साथ मकर संक्रांति को घर के मुख्य द्वार के दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएंगी, तो आपके लिए धन के योग बनेंगे। यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर आना है। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तेल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी का इसमें आवास होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जिसे ये जानकारी नहीं होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करने मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। आपको वह उपाय भी बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे उस सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए, तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। उसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। दोस्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़ों को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर यह खास उपाय अवश्य करें। आप घी का एक सरल उपाय कर सकती हैं। आपके घर में जिस स्थान पर भी बर्तन धोए जाते हैं, वहां मकर संक्रांति के दिन घी का दीपक जलाकर रख दें। इस उपाय से आपके घर में कलह क्लेश नहीं होंगे और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस उपाय से पति पत्नी के बीच के झगड़ों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर आपकी उन्नति रुकी हुई है, तो मकर संक्रांति के दिन गाय को घी और गुड के साथ रोटी खिलाएं। इस उपाय से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलने के योग्य बनेंगे। दोस्तों, धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आपको एक उपाय के बारे में जानकारी देंगे जिसको मकर संक्रांति पर अवश्य करना चाहिए, से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान टोटके। आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे मकर संक्रांति के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें, हनुमान जी के साइड में रखें या पास में रखे चरणों में ना रखें। विशेष करके ध्यान रखें, धन से जुड़ी परेशानियां
अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है।